जितेंद्र त्यागी नारायण त्यागी के एक और एक आरोपों का हम जवाब देंगे। इसके मुताबिक जो कुरान की सूरह नंबर 56:56-35 उसमें वर्ड आता है कवाइब, इसका मतलब होता है फुल ब्रेस्टेड वुमन, यानी गोल 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 छातियों वाली। देखेंगे यहाँ पे कहीं पे भी गोल गोल छातियों का जिक्र है क्या। देखो कवाइब वर्ड कहाँ पर है, वफुरुशिन कहाँ पर है, मरफूअ इन्ना अनशा इन्शा फजअलना अबकारा। कवाइब वर्ड कहाँ, कवाइब वर्ड कहाँ है, ये जो वर्ड है कवाइब कवाइब ये 56:35 में है ही नहीं, ठीक है। तो अच्छा ये जो वर्ड आता है क्या क्या इसका मतलब, फुल ब्रेस्टेड वुमन होता है, जहाँ पे इन्हें छिपने की कोशिश की वहाँ तो ये निकला नहीं, ठीक है। तो जहाँ पे ये नव युवतियों का जिक्र आता है क्या वहाँ पर है, देख वकाइब जो इसका जो वूड वर्ड रूट वर्ड है वो काब है, इसका वर्ड रूट वर्ड है वका कवाइब, तो उसका ये जो वर्ड है का के बी का के ए बी, ठीक है। इसका जो लिटरल मीनिंग होता है यानी बिल्कुल जो शब्दी मायने, इसका मतलब होता है एंकल होता है एंकल एंकल कुछ चीज़ निकली हुई, और इसका दूसरा मतलब होता है काबा काबा, ये ब्यूटी के लिए और ये यूथ के लिए वर्ड होता है यूज़ होता है, ठीक है। इसका जो रूट वर्ड है काबा, तो ये मक्काबे के लिए भी इस्तेमाल होता है, और इसका मतलब होता है यूथफुल वुमन भी होता है, इसका मतलब होता है कुछ निकला हुआ कुछ मेच्योर, काबा को भी मेच्योर कहते बोलते हैं, यानी काबा यानी फुल बना हुआ है, ठीक है। दूसरा मतलब एंकल बोन भी होता है, एड़ी की हड्डी भी होती है वो भी निकली हुई होती है, तो इसका मतलब यूथ जो कि निकली हुई है, तो उसका जो लिटरल मीनिंग हो सकता है फुल ब्रेस्टेड हो, ठीक है, मेच्योर वुमन, या फिर उसका मतलब होता है पूरी उरूज पे हो, उरूज पे जवानी के उरूज जो वर्ड उसका उरूज का मतलब ऊंचाई भी होता है। अब इसका मतलब ये नहीं कोई मगर ये निकाल दे कि जो ऊंचे ब्रेस्ट वाला, तो ये उसकी बेवकूफ़ी है, ठीक है। हिंदी में भी देखो तो कोमल के लिए जो अल्फाज यूज़ होता है, कोमल का मतलब फूल को भी बोलते हैं कोमल, और औरत लड़कियों को भी कोमल बोलते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि औरतों के लिए वो इस्तेमाल हो रहा है वर्ड, एक वर्ड के कई मतलब होते हैं। तो और यहाँ देखेंगे इसका मतलब वकवाइबा, देखो डायरेक्ट कवाइबा नहीं है ये, ठीक है। जो 78 वाली जो आया था उसमें नव युवतियों का तो जिक्र है, लेकिन जो है ना कवाइब का 56:35 में घुसेड़ने की कोशिश किया है, तो ये वर्ड भी मौजूद नहीं है वहाँ पे, बताता हूँ मैं आपको। ये देखो कवाइब ये वर्ड है नहीं यहाँ पे, देखो इन्ना अनशअना इंशा 56:35 ये क्या बोला इसने, कवाइब कवाइब वर्ड है क्या, देखेंगे फुल ब्रेस्टेड इसका मतलब ये निकाल, 78 में बता दिया कि इसके जो इसका लिटरल मीनिंग ये नहीं है, सिर्फ इसका मतलब पता है निकला हुआ, ठीक है। लेकिन ये वर्ड कवाइब 57 में है ही नहीं, सूरह अल वाक वाकिया में, एक बार और चेक करो, ये देखो है नहीं, तो ये वर्ड है ही नहीं इसमें, जो इन्होंने वर्ड छेपने की कोशिश किया। ये वर्ड वहाँ पे मिलेगा नहीं जहाँ पे अजवाज की बात हो रही है, यहाँ पे मेडन की बात हो रही है, सिर्फ ये कवाइब वर्ड एक दो जगह मौजूद है जहाँ पे नव युवतियों की बात हो रही है, जो कि कवाइब इससे वर्ड काबा भी बना हुआ है, और इससे इसका मतलब एंकल भी होता है, निकली हुई चीज़ उरूज पे चीज़ अपनी, इसका एक फिगरेटिव मीनिंग भी होता है, ज़रूरी नहीं है कि निकला हुआ युद्ध भी होता है, इसका मतलब ये नहीं कि ब्रेस्ट की बात हो रही है। कई सारे तर्जुमा करने वालों ने इसका मतलब ब्रेस्ट किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ब्रेस्ट की चीज़ें से सारी बात हो रही है, यूथ निकला हुआ या उरूज पे जवानी, ये जो वर्ड यूज़ होता है उस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हो रहा है, उरूज यानी ऊंचाई पे जवानी, इसका मतलब ये नहीं कि उठे हुए ब्रेस्ट की बात हो रही है।